welcome back to my channel Dynamic Color Station and Craft, and I'm Sajal. Friends, first of all, thank you so much for your lovely support and your lovely engagement. मैंने अपने लास्ट वीडियोस जो डाले थे उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने रिव्यूज़ कमेंट में शेयर किए एंड काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आए मेरे लास्ट वीडियो में. लाइक मैंने जो टीन बॉक्स से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने तीन टेक्निक यूज़ की थी डिफरेंट और मैंने पूछा था कि आप अपनी फेवरेट टेक्निक मुझे बताना एंड काफ़ी लोगों ने अपनी अलग अलग टेक्निक बताई थी. अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो वो वीडियो ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन है, पर पहले अभी ये वाला वीडियो देख लो. एंड अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना. सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो वॉल डेकोर से रिलेटेड है, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि क्या मैं वॉल डेकोर से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड कर सकती हूँ. फ्रेंड्स, रियली सॉरी कि ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, आई गेस 2 or 3 week लेट है. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि मेरे पास वॉल डेकोर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हैं, डिफरेंट आइडियाज़ हैं. लाइक मुझे क्राफ्ट वर्क भी पसंद है, बट मुझे म्यूरल वर्क भी पसंद है. मैं बेसिकली फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पेंटिंग करना ज़्यादा पसंद है और मैं ज़्यादातर वॉल डेकोर के लिए म्यूरल प्रेफर करती हूँ. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद दिस म्यूरल. ये म्यूरल मैंने अपने घर में डाइनिंग एरिया में बनाया था. ये भी मैंने अपने ही घर में बनाया हुआ है. एंड फ्रेंड, दिस वन इज़ वेरी स्पेशल. ये मैंने बनारस में एक ऑर्डर वर्क किया था, इन लोगों के काफ़ी अच्छे रिव्यू आए थे इस म्यूरल पे. सो फ्रेंड्स, ये सारे मेरे जितने वर्क हैं ये मेरे लखनऊ के कॉमर्शियल वर्क हैं. सो एज यू कैन सी कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूरल प्रेफर करती हूँ वॉल डेकोर के लिए. फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट जो है ये भी काफ़ी स्पेशल था. ये मैंने एक स्कूल में किया था, अपनी टीम शी आर्ट्स के साथ ये प्रोजेक्ट मैंने किया था. वॉल पेंटिंग के लिए मैं ज़्यादातर इनेमल कलर यूज़ करती हूँ, बट समटाइम आई यूज़ अक्रैलिक पेंट ऑल्सो. मैंने वॉल पेंटिंग स्टार्टिंग अक्रैलिक पेंट से की थी. सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम वॉल पेंटिंग कर रहे हो तो आप अक्रैलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो. ये एक्वेरियम वाला पार्ट पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, आप चाहो तो इसे घर पर भी बना सकते हो. सो फ्रेंड्स, अब मैं जो वर्क दिखा रही हूँ वो मेरे वर्क नहीं है, मेरी टीम पार्टनर है सृष्टि, उसके वर्क है. शी इज़ अमेजिंग आर्टिस्ट. उसकी इंस्टाग्राम की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन है, आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, उसके वर्क भी देख सकते हो. सो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी कॉमन डिज़ाइन है, आप चाहो तो बहुत ईजिली इसको बना सकते हो. इसके लिए आप इनेमल कलर या फिर एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो. सो कमेंट में बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसी. फ्रेंड्स, ये सारी जितनी डिज़ाइन है ये बहुत ही सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन है, तो आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हो उसे भी. सो फ्रेंड्स, ये सारी जितने पिक्स थी ये वॉल डेकोर से रिलेटेड थी. आई रियली लव टू डू म्यूरल. मैं ज़्यादातर वॉल डेकोर के लिए म्यूरल ही प्रेफर करती हूँ, बट क्या कहते हैं, अब जो वीडियो, अब जो पिक्स आ रही हैं वो सारी क्राफ्ट से रिलेटेड. फ्रेंड्स, ये जो रिंग है ये मैंने जन्माष्टमी में बनाई थी, इस वजह से मैंने इसमें फ्लूट यूज़ किया है. आप चाहो तो प्रॉप की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हो. रिंग के लिए मैंने हुला हुई यूज़ किया था, आप चाहो तो बाइसिकल टायर या फिर एल्युमिनियम वायर भी यूज़ कर सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है. ये रिंग मैंने मम्मा के बर्थडे में भी डेकोर में यूज़ कर ली थी, एंड यू कैन सी इट्स लुक अमेजिंग. एंड फ्रेंड्स, अब जो ये भी पिक्स आने वाली है ये मेरे वर्क, अगेन ये मेरे वर्क नहीं है, ये मेरी सीनियर है कालिका शर्मा, एंड शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग आर्टिस्ट, काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है ये. तो इनकी भी इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो मैं इनके वर्क आपको शो कर रही हूँ कि आप क्राफ्ट वर्क में आप कौन कौन से वॉल डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो. उसके बाद मुझे बताना कि आपको कौन से वाले से रिलेटेड मैं पहले वीडियो अपलोड करूँ, यानी क्राफ्ट से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ या फिर म्यूरल से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूँ. कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि आपको इनके वर्क कैसे लगे. फ्रेंड्स, ये जो वॉल हैंगिंग है ये पेपर मैश से बनाई गई है. काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड डिफरेंट आर्ट स्टाइल है. इफ़ यू वांट कि मैं इनमें से किसी का भी मेथड शेयर करूँ कि ये कैसे बना है, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में मेंशन करना. इसमें क्रोकरी यूज़ की गई है. ये क्रोकरी नॉर्मली जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं वो नॉर्मल क्रोकरी है, और उस पर पेंट किया गया है फैब्रिक कलर से. सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आप अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट में मेंशन करना. अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड
रिलेटेड वीडियो डालूं जो आप चाहते हो तो उसे भी कमेंट में मेंशन करना। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिन्हें आर्ट पसंद है या फिर आर्ट से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो।